अभी जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सीधा। तो गाइस फाइनली हम हमारे गेस्ट हाउस पे पहुंच चुके हैं, आप इसको रूम भी बोल सकते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए फायदे का बहुत सौदा रहने वाला है। तो इसका हम जो रूम पे आए ना, इसका 3,000 बच्चा आ रहा है, बच्चा बेबी रुक जाओ, चलो आ जाओ। तो इसका कॉस्ट है 3,000। 2 BHK का रूम है, ये आप देख सकते हैं, देखिए 2 BHK है। इधर भी ऐसा रूम है, इधर वो किचन है, लेकिन किचन में गेस्ट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे ये रूम है, टॉयलेट बाथरूम अटैच है, एसी है, फैन है, बेड है। यहाँ पे देखिए, तो ये फायदे का सौदा इसीलिए है कि अगर आप टेंट सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पर पर्सन 4,000 रुपये का चार्ज लगेगा। तो मान लो कि आप 8 पर्सन है तो आपको 24,000 का लगेगा एक रात का। तो इसीलिए यहाँ पे 3,000 में हो जाएगा, ये आपका फायदेमंद रहेगा सौदा। ठीक है, फिर मिलते हैं स्टेच अप यूनिट में, 2 बजे हम जाने वाले हैं, तो आगे बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या है। तो ये हमने ऑर्डर किया है बर्गर और वीडियो मत ले, कुछ बोल रहे ये काला बर्गर है। गाइस खाना पीना हो चुका है यहाँ पे मैकडॉनल्ड में, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे CNG की भी सुविधा है। और यहाँ पे देखिए एकता नगर के पास खाना है, और पीछे ट्रेन भी है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड का आउटलेट है, देखिए। अभी जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सीधा। हाँ भगवान thank you.
तो गाइस अगर आपके पास स्ट्रोलर है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री मिलेगी। जो 1000 वाले हैं वो एंट्री आपको फ्री में मिलेगी। और यहाँ तक आ गए हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, आगे जाएंगे। गाइस देखिए ये पूरी वेटिंग लाइन है। अगर आपके पास एक्सप्रेस पास है तो आप पे वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत ही यहाँ से आप जा पाओगे। और एक्सप्रेस टिकट का रेट बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा आपको बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपके पास अगर स्ट्रोलर है, छोटा बच्चा है, ऐसा आप स्ट्रोलर लेके आए हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, एक्सप्रेस एंट्री। देखिए यहाँ पे कुछ है, इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लगी, छोटा होता है इसमें बैठने का लाइफ देखो, और बड़ा होने के बाद फिर स्टॉलर में बैठने का आता है। इंतजार खत्म हो चुका है, लाइन हमारी क्लियर हो गई है, वेटिंग में खड़े थे पीछे देखिए, और आगे अभी ये टिकट स्कैन करवाने हैं और आगे जाने देंगे। कुछ भी देखिए यहाँ पे टिकट स्कैन हो गया, अभी लिफ्ट में जाएंगे। अमरोदा ने एक्सप्रेस एंट्री ली है टिकट, तो वो वहाँ पे बैठी है। अब एग्जिट करके लोग आ रहे हैं तब भी एंट्री मिलती है, पुराने लोग एग्जिट मारेंगे तब भी एंट्री मिलेगी। सरदार की आँख में आ गए हैं, यहाँ पे आँख का व्यू है। और आपको पता है सरदार को लोखंडी पुरुष क्यों बोलते हैं? देखिए आपको मैं अभी लाइव दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा लोखंड का बना हुआ है, देखिए कितना लोखंड भरा हुआ है, देखिए देखिए सब जगह लोखंड है, तो इसीलिए लोखंडी पुरुष कहते हैं। सॉरी मजाक था। कुछ भी रोहिन था टॉप व्यू, और अब हम जा रहे हैं पीछे। और अमरुदा को आज एक्सप्रेस एंट्री का बहुत लाभ मिला, क्यों मजा आया आपको? बहुत मजा आया। और ये साइड दूसरा व्यू है, पीछे की साइड सर की साइड का व्यू है, देखिए तो गाइस आप लोगों ने व्यू देखा, बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आप सबको अच्छा लगा आपको? असंतोष है। असंतोष क्यों है आपको? माथे पे नहीं जा सकते,
माथा माथा नहीं है, टाइल है। इसको सरदार की आंखों से पूरा देखना था, लेकिन सरदार की आंखों तक नहीं जा सकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार जी की शादी हुई थी, हुई थी उसके लड़के भी तो केवल उसकी बीवी ही उसकी आंखों से देख सकती है। देखिए आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये जो सर्पाकार है ना वो रोड है। हाँ हाँ वो रोड है, और पीछे वो पीछे क्या है, वो डैम है ना सरदार सरोवर। अरे डैम नहीं, ब्रिज है, ब्रिज पीछे की रास्ता, डैम पीछे की साइड है, यहाँ पे ब्रिज है। और हो गया बस, इतना सही होता है। गाइस अगर आप ऊपर जाके फिर आते हैं तो आपको फिर नीचे से बाहर नहीं निकलना है, यहाँ से आप लिफ्ट में जाएंगे फोर फ्लोर के, तो आप सीधा पेड़ पे आ जाएंगे, सरदार पटेल का स्टेच्यू ऑफ का जो पेड़ वाला है ऐसा, वहाँ से आ जाएंगे। और अगर आप नीचे से जाएंगे तो आपको फिर पूरा बाहर जाके फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा। देखिए रोहिन क्या खा रहा है बेटा, है देखो क्या खा रहे हो। मैं एक बहुत बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए देखिएगा आप, ये देखिए आप गेस कर सकते हैं मेरे ऊपर क्या है। देखिए देखिए क्या इसका नजारा आ रहा है, आपको फोन से बराबर पता नहीं चलेगा, लुक देखिए इसका। देखिए इसको हम जूमिंग करते हैं, क्या लुक है। तो अमृता कहाँ जा रही हो, अब तो सरदार का पैर भी आ गया, आप कहाँ जाओगी। सर में भी चले गए, आंखों में भी चले गए, पैर पे भी आ गए, अब किधर जाना है तेरे को। ये हम आ गए पूरा ऊपर मेरे के पास, देखिए ये मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको, पैर दिख रहा है ऊपर, देखिए मेरे पीछे का नजारा देखिए। क्या हुआ मैडम जी, आप चल क्यों रहे हो। आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने रखा था पार्किंग पे, लेकिन वो था एकता नगर स्टेशन का पार्किंग,
फिर बस वाले ने बोला पार्किंग यहाँ पे है, तो हम लोग उतर गए। अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हो, अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हो, दो पार्किंग है, एक स्टेशन के सामने और सिर्फ पार्किंग, और एक सिर्फ नॉर्मल पार्किंग है। तो अभी हम डेढ़ या दो किलोमीटर चल के जाएंगे हमारे पार्किंग तक। वैसे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी तो अच्छा ही है हेल्थ के लिए, ये थोड़ा कम हो जाएगा। हिजरत को ये कम नहीं करना होता है, बिठाना होता है, ये बढ़ाना होता है। पर अच्छा है, नरेंद्र भाई हमारी मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। इतना अच्छा स्टेचू बना है, चिल्ला भी रहे, देखने में भी मजा आया। हमारा तो चलो ठीक है, ये लोगों का पूछ लो, अभी हम लेंगे लेडीज लोगों का रिव्यू। मैडम अब क्या बोलना चाहते हो? आप की राय है कि तो गलती मत करना, तोड़ हम लोग तो साथ में खाना लाए हैं, तोड़ गए, पेट भर के खाएंगे। आपको मैडम कुछ बोलना है आपको? हम तो हाल हाल कुछ तो बोलिए, ऐसा नहीं हो चल के तक गए हैं। और कुछ नहीं, तो कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया रहा। तो कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया रहा। जब आपके साथ हो तो हाँ, देख रहे हो, प्यार देख रहे हो, भर भर के उमड़ रहा है। सरदार बापा ने इतना प्यार किया है, हमें भी प्यार उमड़ रहा है। देख रहे हो विकास कैसे प्यार भांडियाबाजी किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये सब लोग अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा है मिलन भाई, सामने तो देखिए सर जी। ओ सर जी, ओ सर जी, हाँ जरा मुंह तो दिखाइए। ये अपने बच्चे को नहला रहे है, टहला रहे है। उसको दो लोगों को पकड़ के बैठना पड़ रहा है, वरना गिर जाएगा बच्चा। गिर जाएगा, दीवार छोड़ के भाग जाएगा। देखो ये कुत्ते की तरह खा रही है बिना कुछ पहचाने, मेरे को भी दे रही है। बोल। सभा कहीं करवानी है? हमारे देश की धड़कन हमारी टुक टुक आए थे ऐसे में ठंडा होके जा रहे हैं, पसीना बहा के और पसीना एक था, जेब तो कट गई, आपने खुशियां भी कट गई। तो क्या लगता है आपको आना चाहिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए? क्या लगता है? देखो आपके पीछे मतलब स्टेच्यू भी दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बना है।
आप देख लो।